बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर बेबी केयर सेंटर में आग का मामला। घटना वाली जगह जाएगी एनसीपीसीआर की टीम, जांच के लिए हादसे वाली जगह पर जाएगी टीम। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। 7 जो नवजात है उनकी झुलसने से मौत हो गई। सोचिए, वह ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, वो ब्लास्ट करता है। ये बताया जा रहा है कि कई ऐसी वहाँ पे नियम जिनको पूरा करना था उनको पूरा नहीं किया जा रहा था, और नियमों को ताक पर रख करके बेबी सेंटर चलाया जा रहा था। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, मामले की जांच हो रही है। इसी बीच एनसीपीसीआर की जो टीम है वो भी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना वाली जगह पर एनसीपीसीआर की टीम जाएगी और वहां पर जांच की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देर रात की, जब ये हादसा हुआ था। तो इस पूरी घटना को लेकर के बीजेपी हमलावर है केजरीवाल सरकार पर। वो सीधे सीधे आरोप केजरीवाल सरकार पर लगा रही है। वो ये कह रही है कि जो लापरवाही हुई है, जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसके लिए अगर जिम्मेदारी है तो वो सीधे सीधे दिल्ली सरकार की है। जो कुछ हुआ है उसको लेकर के अब जो बीजेपी है वो आगे आकर के एक तरह से घेरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की सरकार को कर रही है। वो कह रहे हैं लापरवाही के लिए सीधे कसूरवार है केजरीवाल की सरकार। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, 7 मासूम बच्चों की मौत हुई है, किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? ऐसे मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार दिल्ली प्रशासन का भ्रष्टाचार है। ये बिल्डिंग उस भ्रष्टाचार की नमूना है। इस भ्रष्टाचार के कारण उन 7 बच्चों की ऐसे में मृत्यु हुई है। जो जो अधिकारी इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, इस पूरे प्रकरण में भी राजनीति आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उस पर क्या? देखिए, उनका काम है राजनीति करना, वो जांच की बात करेंगे और भाग जाएंगे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि नरेला, मुंडका, अलीपुर, अनाज मंडी, करोलबाग के 2 होटल, ऐसी 8 बड़ी घटनाएं दिल्ली में हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों में। हर बार जांच करते हैं, जांच के नाम पे पैसा वसूलते हैं और चुप हो जाते हैं। इस बिल्डिंग पे भी जांच करेंगे, पैसा ले लेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, इन बच्चों ने जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली थी, ये सीधा सीधा हत्या का मामला है, मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है, इलीगल सिलेंडर यहाँ रिफिल हो रहे थे। जो जो इसमें दोषी हैं, वो दिल्ली का प्रशासन हो, दिल्ली नगर निगम के जो जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आगे कोई ऐसा मास्टर प्लान ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो? दिल्ली सरकार को ऐसी जगह जहाँ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं या जहाँ मेडिकल चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए पॉलिसी बना के फ्रेम आउट करनी चाहिए, और जब तक वो सुरक्षित मानक पूरे नहीं करते हैं उन सबको रोकना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी जो है सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मान रही है। उनका कहना है कि इसमें लापरवाही हुई है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और बेवजह मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को जांच के आदेश दिए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट है और इस पूरे हादसे में 6 बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई है, और साथ ही सीपी को भी इंश्योर करने के लिए कहा गया कि इसमें जो भी जरूरत हो उसका ध्यान रखा जाए, लेकिन तफ्तीश में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। वैभव, देखिए आप किस तरीके से अब बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार पर कि इन हादसों के जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, और ये बात भी है क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, बेबी केयर सेंटर जिसमें आधी रात को ये हादसा हो जाता है, उसके बाद भी काफी घंटों बाद दिल्ली के मंत्री वहां पर पहुंचते हैं।